सारे काई से भी हम आ गए थे और मार्केट भी गए थे, वहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह की थी हमने, थोड़ा सा रेस्ट किया, खाना वगैरह खाया है, अब हम जा रहे हैं डोसा खाने। जी तो गाइस, डोसा खाने के लिए हम आ चुके हैं। ये डोसा वाइट है और पता करेंगे कौन कौन सी वैरायटी इनके पास है। अब हम बनवा रहे हैं जी चिकन डोसा, तो भाईजान अभी बनाने लगे हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे लगता है चावलों का आटा है जिसको जी इस तरह बनाया जाता है। ये देखें, ये कीमे वाला डोसा वो तैयार कर रहे हैं। ये कितनी देर में तैयार होता है? अच्छा, ये 5 से 6 मिनट में तकरीबन तैयार हो जाता है जी गाइस। डोसा हमारा तैयार हो चुका है जी। ये हमारे भाई हैं जो डोसा बनाते हैं और ये हमें जो है ना जी सर्व करते हैं, चटनी में उसमें डालते हैं। और अभी हमें देंगे जी, सामने जगह बनी हुई है, यहाँ पर बैठ के आपको दिया जाता है। ये भाई जा रहे हैं देने के लिए, हामिद भाई और समी भाई, और मैं जा रहा हूँ टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसा बना। तो डोसा हमारा जो है ना जी आ चुका है, अभी से हम ट्राई करके देखते हैं। जी तो गाइस, हमने जो है डोसा की मैंने तो अभी 1 बाइट किया और सुभान अल्लाह, आपको क्या बताएं, हामिद भाई बताएंगे आपको। बताएं जी, मैं यही दिन दोबारा खाना नहीं कह सकते। हाँ जी, समी भाई ने तो चखा ही नहीं है, वो कह रहे थे मैं तो नहीं खाता और उन्होंने चख के नहीं खाया। आपके मुंह का टेस्ट, मेरे तो मुंह का सारा टेस्ट ख़राब हो गया। तो आपने डोसा खाने कभी भी नहीं आना, बेकार डोसा, चिकन वाला डोसा, इनका कोई खास मज़ा नहीं आया हमें। अब हम इसको पैक करवाए, घर लेके जाएंगे, 600 रुपये का दे दें और कोई मज़ा नहीं है। बंदा पैसे भरे और चीज़ अच्छी ना मिले तो फिर दुख होता है, और चीज़ अच्छी हो तो पैसे ज़्यादा भरे दुख नहीं होता। तो मैं तो यही कहूँगा, आप डोसा खाने मत आइएगा क्योंकि यहाँ पर डोसा बिल्कुल समझ रहे हो ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने भाई ताहिर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।